अगले माला द्वारा भी तैयार है हमारे सुरेश भाई और गुमान सिंह जी, इधर इधर ऐसा सामने से माला द्वारा सुरेश भाई और गुमान सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, बलवंत सिंह जी थोड़ा आप इस व्यापारी भाइयों ने भाई राजा सिंह को जो भुला के सम्मान जो कर रहे, मैं किसी व्यापारी भूमि भाइयों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और यहाँ के व्यापारी की भाइयों से, ये जितने भी राजस्थानी भाई हैं यहाँ, इनके वजह से मैं चार बार जीता हूँ, राजा भाई तीन बार जीते, आपकी मेहरबानी से। क्योंकि बेगम बाजार बोल दो, गोसा भाई बोल दो, मारवाड़िया मारवाड़ी भाई बोल दो, यहाँ बिजाटी आप लोगों की है। और हर बार हमारे दोनों पे आशीर्वाद लगा के जो हमको जीता रहे, उसके लिए धन्यवाद। अब रही बात यहाँ के व्यापारी लोग, भाई राजा सिंह हो, मैं हो, कभी भी कोई चीज का डिस्टर्ब नहीं करे व्यापारियों को, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में देखता हूँ, आप भी सुनते होंगे, कोई मामूल मंगना त्यौहार आए तो कुछ मंगना, दुकान में आके फ्री में सामान ले जाना, कोई हम दोनों भी आज तक कोई भी दुकान में से कुछ मांग के निकले क्या? बोलो भाइयों, कभी कोई भी राजा भाई के आदमी हो, मैं हूं, मेरे आदमी, कभी कोई व्यापारी के आदमी के जाके कोई भी सामान फ्री में लेके सोए क्या? कोई आपके हमारी प्रेम है। और भाई नहीं, भाई जसवाल जी अपने एक दो बात बोले थे, भाई जसवाल भाई 30-40 साल 50 साल के नीचे जो पाइपलाइन डाले वही पाइपलाइन सही है। जब क्या था, ये पूरे कवेली तीनों के मकान थे, आज 5-5 6-6 मंदिर, क्योंकि आज हम गर्व से बोलते भाई हम दो मैं हम दो, क्योंकि अरे बेटा तुम्हारे एरिया में क्या बना था, हमारे लड़कों को बोलते क्या बनाते रहे, हमारे एरिया में एक भी ऐसा नहीं, पूरे ऐसा बिल्डिंग का देखना पड़ता, बोलते इतना गर्व से हम बोलते बना रहे बना दो हटा ही रहे। कभी हम बताए तो दशरथ भाई क्या बोलते, जब 40-50 साल के नीचे जो पॉपुलेशन करता मकाना छोड़ते थे, ये पाइपलाइन था। अभी धीरे धीरे देखो गवर्नमेंट हमारे लिए तो कितना भी बजट लाके हम कर सकते, गवर्नमेंट अपनी नहीं है, कभी भी देखो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद रेगुलेशन गवर्नमेंट थी, हम ज्यादा बजट नहीं ला सके, थोड़ा थोड़ा लास्ट है, तो भाई के बजट में कई काम मैं भी करूं उनसे मन के काम हुई बार थोड़ा वो, क्योंकि गलियां छोटे पाइपलाइन छोटा है, बिल्डिंग बड़े थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। जिस लड़के आप जब भी फोन करें मेरे से रिस्पॉन्स आता नहीं, 5 मिनट में कोई भी मेरा पीए बोल दो नहीं तो डिपार्टमेंट वाला पहुंचता नहीं पहुंचता, कोई हमको अच्छी अच्छा करने की कोशिश करते रहते। और बात रही इन सबके दिलों में, लेकिन कोई नहीं बोल रहे होंगे, एक काम जरूर हुआ हुआ पिछाब करने का, भाई कोई बात हमसे जो हुई उसको छुपाता हूँ, ये गए छोटी पेशाब करने का, वो एक मिनट वो क्या हुआ, अपन बनाने चाह रहे थे, पुराना छोटा था छोड़ के बड़ा बनाना चाह रहे थे, बना रहे तो ये सामने थोड़े गद्दा रह रहे थे, वो साले ने जाके कोर्ट को लाके स्टे लाए, वो कोर्ट के स्टे को भी हम वेकेट करा के फिर काम चालू कराए, काम चालू कराए तो फिर जो है ना
कोई भी उनके बाप को जो फोन करके बोले तो उन्हें बाप ने डीसीपी को उनको उनको अपना जोनल कमिश्नर को फोन करके उस दिन भाई हम सब बैठ के काम चालू करा रहे। आप व्यापारी भाई भी पूरे लोग दुकान बंद करके उस दिन हमारे साथ आए थे। अपन पूरे लोग बैठे बात करे और जोनल कमिश्नर को ऊपर से फोन आए तो उन्होंने हमारे दोनों को रिक्वेस्ट करके दो दिन तय होना बोल के काम रुका दिए। वैसे रुका हुआ है अभी जब तो रोके आज कोई नहीं रोक सकता। एक महीना 15 दिन 2 महीने में भाई के मेरे साथ में लेकर हम दोनों बैठ के वो पेशाब खाना भी बनाएंगे और कोई भी दिक्कत है शायद आप लोगों को मालूम है हम दोनों कैसे लोग हैं। कभी किसी व्यापारी को डिस्टर्ब नहीं। कोई भी व्यापारी कभी भी फोन करे तो रिस्पॉन्स जरूर देते हैं। आइंदा भी देंगे। आइंदा भी आपका आशीर्वाद इसी हमारे साथ रहेगा और हम भी आपके आशीर्वाद से जो आज पदवियों पे है उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे। आपको इज्जत देंगे। आपका जो भी काम बोले हम बराबर करेंगे। धन्यवाद। वो कितना प्यार करते हैं घोषणा में विधानसभा की जनता से और उससे सभी लोग। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी कईयों कॉल आए होंगे जिस दिन काउंटिंग चल रही थी। हर एक को फोन आया होगा, हर एक को व्हाट्सएप आया होगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आप लोगों ने सभी को मैसेज दिया होगा कि जीत हम सबकी हो रही। तो आज आप सबके आशीर्वाद से केवल एक राजा सिंह की जीत नहीं, हम सबकी जीत हुई है। जैसे पिछले 9 वर्षों से यथाशक्ति अनुसार जो जो मुझसे बन सकता था वो मैंने किया है। हम सरकार में नहीं है लेकिन 2018 में आप सबके आशीर्वाद से मैं अकेला जीता था। अकेला जीतने के बाद में भी 2014 से लेकर 2023 तक लगभग 9 वर्षों में जितना मैंने विकास करना था उतना किया। लगभग 502 करोड़ का डेवलपमेंट पूरी घोषणा में विधानसभा में जैसे कुछ ही दिन पहले आपके पीछे एक रोड गिरी होगी आपको मैंने देखा हो। रोड आपने देखी कि कितनी सुंदर थी। लगभग 70 लाख रुपए की रोड है और आपके सामने की भी रोड इधर की भी रोड जितने लगभग 8 हमारे बेगम बाजार के बड़े बड़े रोड जो कि सैंक्शन है लेकिन दुर्भाग्य है कि जाते जाते हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने गड्ढे करके चले गए तेलंगाना में कर्जे के गड्ढे उसको कांग्रेस फिलअप नहीं कर सकती। भले ही आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी जी लेकिन जो कर्जा जो मुख्यमंत्री जी ने किया है लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हम सबके ऊपर कर्जा है एक एक व्यक्ति के ऊपर। यानी जो लड़का अगर सपोज आज पैदा हुआ उसके ऊपर भी कर्जा है उतना कर्जा मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री का सपना था कि बंगाल तेलंगाना बनाऊंगा। बंगाल तेलंगाना छोड़ो कर्जे का तेलंगाना बनाकर वो बेड पे आराम करे हॉस्पिटल। तो अभी जो नई जो सरकार बन रही है ठीक है ये वादे बड़े हैं लेकिन कार्य ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि पैसा रहेगा तो कार्य कर सकेंगे। करेक्ट है ना। पैसा ही तो कार्य कर सके। अभी कोई बैंक तेलंगाना को लोन देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि जितना लोन मुख्यमंत्री जी ने लिया है उसका ब्याज भी नहीं बन सकता। इसलिए कोई भी बैंक इनको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं लगभग जितना भी जो सेंशन है बेनिस लैंड हो या वाटरवर्क लैंड हो या डीसी रोड हो होना है तो मैं सर एरिया का एक सेंशन कॉपी भी मैं वापस लगा दूंगा। अविनाश जी आपको मैं शायद लगाया था आप सबको लगाना तो कौन सी गली में किस बाजार में कितना फंड किस डोर नंबर से किस डोर नंबर तक हमारे पास रोड सेंशन है आपको भी थोड़ा नॉलेज मिलेगा। और साथ ही साथ जैसे पिलखाना का टॉयलेट बाथरूम का एक इश्यू है ये इश्यू को एक बहुत बड़ा इश्यू बना नहीं तो वो साइलेंटली कभी नहीं बन जाता। लेकिन कुछ ओल्ड सिटी के लोग यहाँ के लोगों को फोन मारना कि भाई बकबोर्ड लैंड है और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है वो अब का नहीं हो कई वर्षों का टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। और शंकर अन्ना जी सब लोग कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद में जो बनाने गए तो लोकल पुलिस और लोकल म्युनिसिपल के और जो जोनल कमिश्नर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आज छोड़ दो नहीं तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी हम सस्पेंड हो जाएंगे वहाँ कमिश्नर वायलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से उनके रिक्वेस्ट पे जो तो हम लोग उनके जो सब उनके लोग अभी तक रुका हुआ है। तो मैंने शंकर जी को मैंने एक सजेशन दिया है शंकर जी हम दो जगह पे हम प्लान करेंगे एक तो जो ट्रांसफॉर्म है वहाँ पर भी हम लोग टॉयलेट बाथरूम बनाने का प्रयत्न करेंगे और जहाँ पुरानी जगह है वहाँ पर भी हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। यानी ट्रैफिक को भी तकलीफ खराब है
ट्राफिक को भी तकलीफ ना आए और हमारे व्यापारिक भाई बंधुओं को और जो बाहर के लोग जो लोग हमारे पास शॉपिंग करने आते हैं, जो अलग अलग जिला से लोग जो शॉपिंग करने आते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई टॉयलेट की व्यवस्था यानी परेशानी ना हो, ऐसी हम लोग व्यवस्था करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। देखिए दोस्तों, इतने लड़ाई और इतने केसेस लड़े हैं ना, उससे कोई टेंशन नहीं, एक और एक केस भी हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम वहां ठहर गए, अगर हम वहां ठहर गए और व्यापारीगण मेरे पीछे खड़े हो गया, तो किसी की अम्मा ने मैनेजर जो वहां पर काम रोक सके। व्यापारी भाई बंधु है, मैं आपको एक लड़ाई के उसमें नहीं डालना चाहता, मैं नहीं डालना चाहता, क्योंकि सभी से लोग व्यापारी भाई बंधु, इसलिए हम लोग प्यार से वो सजेशन चाहते हैं, प्यार से वो काम हम लोग करना चाहते हैं। तो शंकर जी, आप जो भी लोग हैं उनको प्यार से आप प्रयत्न करो, जितना प्रयत्न करना करो, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तब अपन बल का उपयोग करेंगे, तब अपन पूरा का पूरा बल का उपयोग करेंगे। आप खाली हमारे पीछे खड़े रहो, तो नागा देखेंगे वहां पर खड़े रहकर बातों को बढ़ाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और भी एक बात, जैसे कोई भी व्यापारी भाई बंधु को अगर छोटी भी दिक्कत आती है तो कृपया करके मुझे फोन करना या नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करना। जैसे भाई ये गली में लाइट नहीं आ रही, फोटो खींचो, एड्रेस लिखो, व्हाट्सएप कर दो। कहीं पर ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, फोटो खींचो, डोर नंबर लिखो, क्षेत्र का नाम लिखो, व्हाट्सएप कर दो। आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगा, 24 घंटे में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं और शंकर जी भी वादा करते हैं, क्योंकि वही क्षेत्र के पार्षद है। मैं समझता हूँ लगभग 90% लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, फिर भी जिसके पास नहीं वो भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। इसी नंबर है 9000214000, इसी नंबर है ना। तो सब लोग इस नंबर पे कोई भी छोटी भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी व्यापारी भाई बंधु को अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति डराता है, धमकाता है या किसी भी नाम ले लेकर, तो भी आप पहले उसको मारना, बाद में मर को फोन करना कि भाई हम भले ही राजस्थान के हैं लेकिन हम क्षत्रिय है, हम वो राजस्थान से है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था, हम तेरे पास होते हैं। तो उस प्रकार से आप लोगों की रक्षा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी प्रकार का कोई निसंकोच आप इन्हीं टाइम हमारे उपकार कर सकते हैं। और आज जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए जितने भी व्यापारी भाई बंधु नौजवान यहाँ पर बता रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।